हेलो गाइस बॉयज गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है काफी लेट, दोपहर की लगभग 1:30 बज चुके हैं और तब मैं इसको व्लॉग को बनाने स्टार्ट करा है क्योंकि भाई मैं काम कर रहा था, वीडियोस वगैरह बना रहा था, सो के भी आज थोड़ा लेट उठ रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं है। व्लॉग स्टार्ट लेट हुआ है तो लेट तक चलेगा भी क्योंकि आज आएगा सुमित 007। फिलहाल एक वीडियो मैंने फेसबुक के लिए बना दी है, अब एक यूट्यूब के लिए बनानी है, उसका नहा धो के तैयार होकर बाहर चलना है, ये सारा काम कर लेते हैं फिर निकलते हैं बाहर। तो भाई देखो, नहा धो के ऑल सेट हो गए और सीधा निकल गया हूँ घर से। घर के सारे काम जो थे मेरे वीडियो वगैरह बनाने के वो मैंने कर दिए, अब करने हैं बाहर के काम। बाहर के कामों में मेरे को एक दो लोगों के घर पे जाना है और उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट काम, पता है क्या? ये पीछे मेरी खाड़ी खड़ी है, एकदम कूड़े जैसी हो रखी है, कबाड़ा हालत हो रखी है इसकी। भाई जो इसका साफ करने वाला बंदा था ना, जो सुबह साफ करने के लिए आता था, वो पता नहीं शायद गांव चला गया, कहीं पे चला गया, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी बेचारी ऐसी हो गई जैसे कि मतलब कि बहुत बुरी हालत में हो गई है। तो इसको नहलाएंगे धुलाएंगे आज। दूसरी चीज़ यह है कि इसके जो टायर है ना, दो तीन टायर के अंदर मेरे को लग रहा है एक साथ पंचर हो रखा है, मतलब क्योंकि ट्यूबलेस है तो निकलता नहीं हवा, बट लग रहा है मेरे को कि पंचर है क्योंकि बार बार हवा कम हो जाती है भाई इसकी, तो वो भी चेक कराएंगे आज। काम काफ़ी आई, पैर में लग गई भाई। गाड़ी धूप में खड़ी खड़ी ना इतनी गर्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि भाई इसके अंदर बंदों को अगर बिठा दे रहे हैं, 15-20 मिनट की सजा दे दी जाए ना बैठा के, तो उसकी पसीने से शायद जान चली जाएगी, इतनी गर्म हो जाती है, इतनी भभक जाती है गर्मी में, भाई क्या ही बताऊं मैं। भाई देखो, एक दोस्त को लेके मैं दूसरे दोस्त के घर पर आया था और इन्होंने यार ये कैमरा सा लगवा रखा है, लाइट से लगवा रखी है, सब कुछ मैंने बजा दिया और कोई खोलने को तैयार नहीं है, तो अल्टीमेटली मेरे को फ़ोन मिलाना पड़ा है, वो भी चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में रहता है इनका लोंडा, हमारा खासम खास दोस्त। अब वो फ़ोन करेगा अपनी मम्मी को, तब शायद ये खुलेगा। तो भाई देखो ऐसा है, गेट खुल गया, थोड़ी देर लगी और हमारे पास एक जादुई एटीएम आ गया है। तो एटीएम आ गया, एटीएम की ज़रूरत थी हमें, एक एटीएम आ गया, दूसरा एटीएम भाई के पास है, दो तीन एटीएम मेरे पास है। अब आप सोच लो इतने सारे एटीएम का हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, ताश लगते थे ना वो गिराते थे, वैसे करेगा एटीएम। बैंक वगैरह का सारा काम हो गया और गाड़ी को ले आए हम धुलवाने के लिए, तो अंदर बाहर से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी मेरी गाड़ी, तो सोचा इसको धुलवा लेते हैं। वैसे भी सुमित को लाना आज, कहेगा भाई गंदी गाड़ी में लेके आया। तो यहाँ पे गाइस हमारी गाड़ी पूरी साफ़ हो चुकी है अंदर बाहर से, बस थोड़ा सा अभी इस पर पॉलिश वगैरह का काम होना बाकी है, इसके सिवा तो पूरी चमक गई है, एकदम ऐसी हो रखी है कि अभी इसको कहीं शादी में सजा के ले चलते हैं, किसी की शादी करवा देते हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, पूरी साफ़ हो गई है, एक बार फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे। अभी छोटू उस्ताद गाड़ी को पुलिस मारने में लगे हुए हैं, बहुत गंदी हो गई थी, पर जितनी गंदी हो गई थी अब उतनी ज़्यादा साफ नज़र आ रही है, देख रहे हो क्या मस्त चमक रही है। तो गाड़ी जो है गाइस हमारी नहा धो के तैयार हो गई है, पर इसके जो पैर है ना, इसके जो टायर हैं, इसके टायर के अंदर कांटा गड़ा हुआ है, जैसे हमारे पैर में भाई कांटा गड़ जाता है, इनके कांटा नहीं गड़ता, इसमें सीधा कील गड़ती है, तो इसके टायर का कांटा निकलवा रहे हैं, पैर का कांटा, टायर का कांटा, भाई साहब निकालने में लगे हुए हैं। एक बड़ी सी कील है इसमें, देरी ये है कील, यहाँ पे कील गड़ी हुई है इसके अंदर। तो भाई इसमें देखो पंचर तो था नहीं, कील गड़ी हुई थी पर कील अंदर नहीं गई थी, तो बाहर ही लटक के रह गई थी, तो भाई ने निकाल दिया। देखो अच्छी बात ये हुई कि हम निकल गए हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी गाड़ी के टायर में एक भी टायर में पंचर नहीं निकला, सारे गाड़ी के टायर के मैंने पंचर वगैरह चेक करा लिए, क्योंकि भाई अभी सुमित आएगा तो ऑब्वियसली बात है बैंगलोर जाने का चांस बन सकता है, तो गाड़ी को पूरा एक बार चेकअप कराना जरूरी है। कल भर में शायद परसों या कल परसों एक बार शायद मैं कंपनी में भी एक बार पूरी गाड़ी का चेकअप करा के फिर ही यहाँ से निकलेंगे। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर के लिए, थोड़ी देर सो जाऊँगा, रात में मिलता हूँ आपसे सीधा जब लेने जाएंगे हम सुमित को, ठीक है? 2000 years later गाइस फाइनली अभी टाइम हो चुका है रात के 1:10 और सुमित की फ्लाइट जो है लैंड करेगी करीब 2:10 पे, तो जो एयरपोर्ट है मेरे घर से लगभग 30-32 किलोमीटर है, तो मैं अभी बस निकल रहा हूँ यहाँ से और साथ में अपने एक दोस्त को और लेके जा रहा हूँ। उसका खुद ही फ़ोन आया था कि यार मैं भी चलूँगा, तो अकेले जाके क्या करेगा, मैंने कहा ठीक है भाई तू भी चल ले। और सामने हमारी गाड़ी करिए एकदम तैयार चमचमाती हुई, ये देखो गाइस क्या ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, एकदम रात की सुनसान सड़कों पर घूमने के लिए तैयार खड़ी है ये। और रात में मौसम बढ़िया होता है दिल्ली का, एक भी बंदा नहीं दिखता, खुले खुले रोड होते हैं, तो ऐसा नज़ारा कभी होता है, तो रात में घूमने में मज़ा भी बहुत आता है। बट आपको पता ही है रात दी गेड़ी गल रिस्क दी, और ये ऐसे जो घूमती हुई आती है ना बस, ये कहते चलो जी बताओ कहाँ चलना है, तो कुछ इस तरह का रास्ता रहता है गाइस रात में, एकदम खाली खाली रोड होते हैं, ऐसा लगता है दिल्ली में नहीं किसी गांव में आ गए हो, क्योंकि ये नज़ारा सिर्फ आपको रात में मिलेगा जब आप अकेले घूम रहे होगे रात में। यो तो यहाँ पे आ गए हमारे रात के पार्टनर अजीश, जिन्होंने रात काली करने का निर्णय लिया है,
भाई बहुत दिन पहले ले लिया था ने। भाई तूने कहा कि चलना है भाई, चलना है, चलना है भाई, 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 भाई को सुबह जॉब पे भी जाना है फिर भी उठ के आया है भाई। कैसे उतरेगा यार तेरा एहसान भाई यार, ये रात को 1:15 हो रही है गाइस, देख लो आप जरा टाइम देख लो, और ये बंदा का डेडिकेशन देख लो, अलार्म लगा के सो रहा है। अलार्म बजने वाला है बस थोड़ी देर में फोन भाई। Head grip stack of the blue cheese, turn that to a bag at a new crib. Nice big spot by the seaside. Never stressed on for a handout. बढ़िया, एकदम खाली 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 रोड चल रहे थे गाइस, और एकदम से जबरदस्त जाम मिल गया हमको, और चारों तरफ से पीसीआर की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई ना कोई तो कलेश हो गया है। 2-3 पीसीआर तो हमारे सामने से निकल गई, और 1-2 पीसीआर हमारे लेफ्ट में खड़ी है ट्रक के पीछे। ये देखो आपको आवाज भी आ रही है, अब पता नहीं क्या हुआ है, शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, जो भी है देखते भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको अगर कुछ हुआ तो। ऐसा कुछ तो भाइयों और भाइयों, यहाँ पे जाम लगने का रीजन हमको पता चल चुका है। आगे की तरफ एक ट्रक ने ना करवट ले लिया रोड पे, चलते चलते एकदम से थक गया, वही लौट गया, ट्रक पलटा पड़ा भाई आगे, एक्सल पैक्सल सब टूट गया इसका। ये ट्रक है गाइस जो यहाँ पे पलटा हुआ है, और इसका तो भाई ओ आगे वाला हिस्सा ही भाई डेड सा हो गया इसका तो, पूरा खतरनाक टक्कर लगी हुई है इसकी तो ट्रक की। फायर ब्रिगेड भी आ रखी है भाई, पुलिस भी आ रखी है। पीछे की तरफ एक डिवाइडर था, डिवाइडर के ऊपर ये ट्रक चढ़ गया, और चढ़ते चढ़ते फिर इसने रेलिंग वेलिंग सब तोड़ी है, उसके बाद जाके ये पलटा है भाई। देख के तो लग रहा है शायद किसी को चोट नहीं लगी है, पर कुछ कह नहीं सकते। चलो जो भी है, भगवान सबका भाई भला करे। गाइस अभी हम रास्ते में रुक गए थे, और हमने लिया है छोटा सा मिरिंडा ब्रेक, और भाई ने लिया है स्नीकर्स ब्रेक। 2:00 हैं, 2:10 पे सुमित की फ्लाइट लैंड करेगी। अभी है हमारे पास 10 का टाइम है, 2:00 अभी 10 में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी काफ़ी दूर है, और ना भी पहुंचेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लेगा, क्या हो गया, वेट कर भाई थोड़ा सा। भाई देखो एयरपोर्ट पे हम आ गए हैं, फ्लाइट भी सुमित की लैंड कर गई है, पर अभी फ्लाइट के बाद से थोड़ा सा अराइवल तक आने में टाइम लगता है, तो 5-10 लग रहा है कि आज हमको ही वेट करना पड़ेगा उसको हमारा वेट नहीं करना पड़ेगा। लोग से लोग क्लैश हो गए आज, लोग रैंक वन, लोग रैंक। ये गाइस देखो अपना व्लॉग बनाता हुआ आ रहा है, कंटेंट चुरा रहा है मेरा। क्या करें अब, करना पड़ रहा है। फ्लाइट सही रही तेरी? हाँ बिल्कुल, आपकी? मेरी तो हाँ, मेरी ड्राइव एक नंबर रही, बस एक जगह पुलिस वाले रोक लिया था। क्या हो गया, कोई टर्बुलेंस वगैरह तो नहीं आया? ना ना, सही था सफर, एक नंबर। ओके रिपोर्ट एकदम। हाँ। सब तबीयत बढ़िया मस्त, एक नंबर। गाइस देखो चप्पलों में घूम रहा है, सीख ले इसने मेरे से, पहले मैं भी जूते पहना करता था, मतलब मैं भी चप्पल पहले जूते ज्यादा पहनता था ये। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, पसीना आता है ना शूज का, इसलिए मैंने भी, मैं तो पहनता ही बहुत कम हूँ। बैठो तो फिर, आप कैसे हो, बैठो जरा पीछे सीट पे डाल दे। हाँ आगे बैठेगा, मुझे पता है तू आगे बैठेगा, पता चला ये ऐसे दबाना होता है। हाँ ये दबा के बाहर निकलता है, खींच। ये मेरे को तो डर ही लगता है, हाथ में हाथ में नहीं आएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसी लगी गाड़ी तुझे? एक नंबर। खुश हो रहा है? दिल्ली की हवा में आके कैसा लग रहा है? हाँ मस्त लग रहा है, रात के टाइम अच्छे लगते दिल्ली। वैसे अभी ट्रैफिक तो रहेगी नहीं ना दिल्ली, रात में कोई ट्रैफिक नहीं होता। अभी वैसे कितने बज रहे हैं? 2:30 बज रहे हैं अभी। तो गाइस सुमित के लिए हमने सनरूफ खोली हुई है, सुमित को बाहर की ताजी हवा खाने का बहुत शौक है। इसको लग रहा है एसी की हवा बिल्कुल ज्यादा इसको पसंद नहीं है, गाड़ी के अंदर। तो अभी हमारे सुमित भाई साहब सनरूफ का मजा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है सुमित? सही लग रहा है, आवाज ही नहीं आ रही, लग रहा है आवाज आ रही है तुझे? नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कैसा लग रहा है? एक नंबर लग रहा है। सो गाइस अभी आराम से सनरूफ में से निकल के सनरूफ का मजा ले रहे हैं, पहली बार लाइफ में एक साथ। तो गाइस अभी सही सलामत हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। अब आप कहोगे कि यार अब आप कहोगे कि यार सुमित को बेचारे को तू बोझ मार रहा है, दोस्त है और उससे सारे बैग उठवा रहा है। भाई देखो ऐसा ही अपना तो। और देखो हमारे दोस्त भी आए हुए मिलने, इनको हम डेली भोजन देते हैं ना, तो आज मिलने के लिए अब रात को 3:00 कह रहे हमसे भी मिल लो भाई। ले भाई ये सुमित से भी मिल रहे हैं, हेलो क्या कर रहे हैं, पकड़ना ले कुछ? ना 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 काटेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं काटेंगे, इनको डेली में खाना खिलाता हूँ। सही है। तो ये हेलो बोलना है तेरे को भी, कह रहे नया दोस्त ऐसे कर रहे। ना 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 डर मत, काटेंगे नहीं किसी भी तरह। तो
तो बस गाइस आज के व्लॉग में रहेगा इतना ही, आगे कल मिलेंगे। हाँ, आगे की अपडेट आपको दे देंगे बाद में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी।